माय नेम इज पूनम एंड वी आर रीडिंग लेसन नंबर 1 द विस्परिंग पाम्स इन आवर इंग्लिश बुक. इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव रेड अबाउट अ गर्ल मोरी हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स फिशिंग के थ्रू उसकी केयर करते थे. एक दिन जब मोरी की मामा सो रही थी तो उनको एक सपना आया जिसमें कि उनको दिखा कि एक झील है जिसमें कि कोई भी फिश नहीं है. उसके बाद में वो काफ़ी वरिड हो गई, काफ़ी परेशान हो गई और फिर उसने मोरी के फादर के साथ कुछ विस्पर किया. आगे की स्टोरी में हम देखते हैं कि उनके पेरेंट्स ने क्या डिसीजन लिया उस ड्रीम के बारे में. ओके, सो लेट वी स्टार्ट ऑन पेज नंबर 5. द नेक्स्ट मॉर्निंग हर फादर गेव हर अ स्मॉलर बास्केट. अगली सुबह उसके पापा ने उसको एक छोटी बास्केट दी. नाउ एज यू नो स्टूडेंट्स, वैसे मोरी एक बड़ी सी बास्केट लेकर के जाती थी लेक पे, लेकिन उस मॉर्निंग को क्या हुआ, उसके फादर ने उसको छोटी बास्केट दी. हाउ कैन वी कैरी ऑल द फिश इन दिस लिटिल बास्केट, मोरी आस्क्ड. तो मोरी ने पूछा कि हम इस छोटी सी टोकरी में सारी फिश कैसे ला सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. वी विल टेक ओनली एज मैनी फिश एज कैन फिट इन टू दिस बास्केट, ही रिप्लाइड. तो उसके फादर ने आंसर किया कि हम केवल इतनी ही फिश लेंगे जितनी की इस बास्केट में फिट आ जाएं, जितनी की इस छोटी वाली बास्केट में आ जाएं उतनी ही फिश हम लेंगे. मोरी वॉज पजल. अब पजल मीन कंफ्यूज. तो मोरी बहुत कंफ्यूज थी. कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल शी वॉज थ्रिल्ड टू फाइंड हर मदर मेकिंग सोप एंड ऑयल फ्रॉम द कोकोनट्स. नाउ थ्रिल्ड मीन्स एक्साइटेड. तो जब मोरी स्कूल से वापस आई तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई. क्या देख के एक्साइटेड हो गई, कि जो उसकी मम्मी थी वो साबुन और ऑयल मीन्स तेल बना रही थी फ्रॉम द कोकोनट्स, नारियल से. नेक्स्ट पैरा. मोरी स्विफ्टली क्लाइम्ड अप अ ट्री टू गेट मोर कोकोनट्स. स्विफ्टली मीन्स तेजी से. मोरी तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गई और कोकोनट्स लेने के लिए. बट हर मदर कॉशन मीन्स वॉर्न्ड. लेकिन उसकी मम्मी ने उसको वॉर्न किया, उसको मना किया. डोंट प्लक दैम, उनको मत तोड़ो. प्लक मीन्स तोड़ना. वी मस्ट ओनली यूज वॉट द ट्री गिव्स अस. हम केवल उतना ही यूज करेंगे जितना ट्री हमको देते हैं. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. हर फादर एडेड, उसके पापा ने बोला, वी हैव टेकन ओनली फॉलन कोकोनट्स फॉर दीज थिंग्स. हम इन चीजों के लिए ओनली फॉलन मीन्स जो नीचे गिरे हुए हैं कोकोनट्स, उनको ही काम में लेंगे. वी हैव इवन मेड दिस सोप विद अ जैस्मिन फ्लावर इनसाइड. अब उसके जो फादर हैं वो उसको दिखाते हैं कि देखो हमने यह एक साबुन बनाया है जिसके अंदर एक जैस्मिन का फ्लावर भी है. फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द फैमिली मेड ब्रूम्स फ्रॉम द पाम लीव्स एंड वो मैट्स फ्रॉम कोकोनट फाइबर. उस दिन से उनकी फैमिली पाम लीव से, ताड़ के पेड़ की पत्तियों से ब्रूम्स यानी झाड़ू बनाया और कोकोनट फाइबर मीन्स जो नारियल का बाहर का छिलका होता है उससे उन्होंने मैट्स बुनी, चटाइयों को बुना.
They sold soap, oil, and only a small amount of fish in the market. उन्होंने साबुन, तेल और थोड़ी सी अमाउंट में फिश मार्केट में बेची. When Mori grew older, she loved carving tiny turtles out of coconut shells and always wore one around her neck. Mori बड़ी हो गई तो वो कोकोनट शेल्स पर, जो कोकोनट के छिलके होते हैं, जो उसका हार्ड वाला छिलका होता है, उस पर कर्व करके, कर्व हेयर मीन्स मेकिंग डिजाइंस और शेप्स, मीन्स उन छिलकों से वो डिजाइन करती थी, अलग अलग शेप्स बनाती थी टाइनी टर्टल्स की, छोटे छोटे कछुओं की, और हमेशा उसको अपनी नेक के अराउंड, अपनी गर्दन के चारों तरफ एक कछुए को वोर करती थी, उसको पहनती थी. ओके फ्रेंड्स, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द विस्परिंग पाम्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल. इस लेसन से आपको क्या मोरल मिली, क्या आपने सीखा कि जो हमारी नेचर है, ये जो हमारी अर्थ है, वाटर है, ये हमेशा हमारी केयर करते हैं, तो हमको भी बदले में उनकी केयर करनी चाहिए. जितना हमको ज़रूरत है उतना ही उनको हमें यूज़ में लेना चाहिए, उससे ज़्यादा हमको यूज़ में नहीं लेना चाहिए और हमेशा उसकी केयर करनी चाहिए. ओके तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए.